दिन से सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए बाजारों में कर्फ्यू सा नजारा है, सड़कें पिघलने को तैयार हैं। सूर्यदेव की तपन के हालात है कि माटी के टीलों के बीच रखा पापड़ कुछ ही देर में सिक कर तैयार हो गया। करीब 18 से 20 मिनट में ये पापड़ सिक गया। चूरू जिले का जो तापमान है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, देश हिंदी विदेश के अंदर भी चूरू का तापमान सर्वोपरि जा रहा है। तपतपाती गर्मी का आलम कुछ ऐसे है कि सड़कें वीरान हैं, कर्फ्यू मानो बाजार में लग चुका है। इस समय हम एक पापड़ लेके खड़े हैं और ये पापड़ आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इतनी तेज़ गर्मी है कि इस तेज़ गर्मी के चलते पापड़ तक सिक जाएगा। हम दिखाएंगे आपको, फर्स्ट ने दिखाएगा किस प्रकार से पापड़ इस कितनी जल्दी पापड़ सिक जाता है इतनी प्रचंड गर्मी के अंदर। हम इस पापड़ को ज़मीन में रख रहे हैं और कुछ मिट्टी भी डाल रहे हैं ताकि ये पापड़ उड़े नहीं, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है। हमारे साथ डॉक्टर दीक्षित भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये पापड़ हमने रखा है और हमें उम्मीद है कि इतनी प्रचंड गर्मी के अंदर कुछ ही देर में जल जाएगा, क्या कुछ कहना है? विगत 2-4 दिनों से बहुत प्रचंड गर्मी का प्रकोप हो रहा है। आज तापमान हमारा 50 डिग्री के आसपास तक जा रहा है, मनुष्य का जीना दूभर हो रहा है। इस समय 2:05 पर हमने इस पापड़ को रखा है और देखेंगे कितनी जल्दी ये पापड़ सिक जाता है। तो हमने 2:05 पर पापड़ को यहाँ पे गर्म करने के लिए, सेकने के लिए छोड़ा था। पापड़ देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, और इस समय टाइम हो चुका है वो 2:14 यहाँ पे हो चुके हैं और पापड़ सिक चुका है। लगभग करीब करीब आधे से ज़्यादा पापड़ सिक चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये पापड़ जो है वो सिक कर अब तैयार होने लगा है। चूँकि हमारा मरु प्रदेश है, रेगिस्तान के अंदर बहुत जल्दी मिट्टी गर्म होती है और अभी जो स्थिति है मानव का जीना दूभर हो रहा है। पापड़ जो है तुरंत देखते ही देखते सिकने को हो रहा है ये, और यहाँ पे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय मेरे फोन में 2:23 हो चुके हैं और मैं आपको पापड़ दिखाऊँ, देख पा रहे होंगे आप कैमरे के अंदर 2:23 हो चुके हैं। मैं आपको पापड़ दिखाता हूँ, पापड़ की अब क्या स्थिति है कैमरा में दिखा पा रहे होंगे। पापड़ लगभग सिककर करीब करीब पूरा तैयार हो चुका है और ये पापड़ अब खाने लायक हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, आपने देखा कि ये करीब 18 मिनट के अंदर ये पापड़ सिककर तैयार हो गए, क्या कहना है? बिल्कुल, देखते ही देखते करीब 18 मिनट में पापड़ जो है एकदम सिकने का हो रहा है। इस ऐसे माहौल में जब पापड़ जो है रेगिस्तान में बालू मिट्टी में और रखते ही सिकने को हो रहा है, तो आम आदमी का जीना कैसे संभव हो पा रहा है ये तो सोचने के ऊपर ही बनता है। मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, यहाँ का तापमान है वो 50 डिग्री के पार जा चुका है और विश्व में पहले स्थान पर चूरू का जो तापमान वो चल रहा है और पापड़ भी पूरा सक्कर तैयार हो चुका है और अब इसको हम खा भी सकते हैं। सरदार सर, फर्स्ट इंडिया से गजेंद्र सिंह।